के विश्वास के साथ धोखा देने का काम किया, विश्वासघात किया। आप देखते हैं जब परीक्षा वाला जब होता है तो एज निकल जाता है सरकारी नौकरी का, रिजल्ट नहीं आता, फिर नौकरी नहीं लग पाता, इतना नौजवान ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो चाहे सामान्य वर्ग के भाई या आरक्षित वर्ग के भाई हो, अगर बीपीएससी अगर देरी करेगी तो उनके उम्र की अवधि को भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। है तो वो बिहार में, इसलिए पलायन नहीं रुका, भूखमरी नहीं रुका, गरीबी नहीं रुका, कारखाना नहीं लगा, अस्पताल की बर्बाद अवस्था किससे छुट्टी नहीं है। नीतीश जी ने तो शिक्षा को सबसे पहले चौपट किया। 15 साल तक जो व्यक्ति रोजगार न दे पाए, कारखाना न लगा पाए, वो अगला 5 साल भी आपके काम का दौरा नहीं। बात समझिए, नवा मरीजों पर घर क्या मारे जीवा एक ना हम तो अपने घर के हुए, हम एक मौका मांगने आए अपन घर परिवार से। हम लोग पहला कदम अगर चलेगा नौकरी के लिए, जब फॉर्म जब भरिएगा तो फॉर्म का फीस भी माफ कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र जाइएगा तो उसका भाड़ा भी सरकार देगी आपको, दे दी जाएगा। कृषि ऋण को माफ किया जाएगा, बिजली के दाम को आधा किया जाएगा। जितने हमारे नियोजित शिक्षक लोग हैं उन सभी को समान काम प्रदान वेतन हम लोग देंगे। आंगनबाड़ी महिला, आशा वर्कर, जीविका दीदी, विकास मित्र, टोला सेवक, जितने स्वयं सहायक समूह हैं सभी लोगों को नियमित करेंगे और मानदेय दुगना से गुजारा करेगा। नीतीश कुमार जी ने फरमान सुना दिया, नोटिफिकेशन कर दिया बीजेपी के लोगों ने कि 50 साल में सरकारी कर्मचारी को रिटायर कर देंगे, चाहे सिपाही हो या और कोई हो। जितना लोग बेरोजगार है यहाँ का, इतना बिहार का बेरोजगारी दर 46.6% हो चुका है देश में सबसे अधिक। सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगारी है तो वो बिहार में, इसलिए पलायन नहीं, रोजगार न दे पाए, कारखाना न लगा पाए, वो अगला 5 साल भी आगे का। बात समझिए, नवा लोगों का कोई घर में ना मारेंगे, जिलवा एक ना है हमारा, हम तो आपके घर के हुए। मिलेगा तो रियाजू जी बका भाई है हमारा, एक एक वोट रियाजू जी को देख पाई से, एक एक वोट प्रेम शंकर जी के। देखो हम संकल्प लिए हैं, आप लोग जब मौका दे रहे हैं तो मेरा मुख्यमंत्री रहते अगर पहला कलम चलेगा तो पहला मंत्रिमंडल के अध्यक्ष में 10 लाख सरकारी नौकरी।